नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बालू खनन को लेकर। बिहार में बरसात की शुरुआत के समय से ही बालू का खेल शुरू हो जाता है। प्रदेश में पिछले एक महीने से लाल बालू के खनन को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है। आपको बता दें कि नदियों से लाल बालू के खनन पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी चोरी छिपे कई नदियों से लाल बालू निकालने का कार्य जारी रहा। ऐसे में बिहार सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बालू के अवैध खनन मामले में 2 IPS सहित 41 अफसरों पर गाज गिराने के बाद भी पुलिस मुख्यालय और आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई जारी है। बालू के खेल में दोषियों के साठ गांठ और उनके साथ देने वाले अफसरों व तस्करों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। आपको ध्यान में रखते हुए 6 जिलों के अवैध खनन के मामले सामने आए हैं। इसमें बालू के माफिया के साथ ही कई अधिकारियों के नाम होने का भी बात सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 65 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आंतरिक, तकनीकी और अन्य जांच तेज हो गई है। साक्ष्य के आधार पर जल्द ही इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। अब बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार की तरफ से लगातार हो रहे एक्शन के वजह से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर ईओए के सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार भोजपुर और पटना के लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि औरंगाबाद में कुछ ऐसे ठेकेदारों के नाम सामने आ सकते हैं। इन ठेकेदारों का बिहार के कई जिलों से संपर्क है। बताया तो यह भी जा रहा है कि दोषी अधिकारियों का संपर्क स्थानीय ठेकेदारों के साथ रहता है। ऐसे में जब जब पुलिस अधिकारियों पर सरकार तरफ से कार्रवाई शुरू होती है तो स्थानीय ठेकेदारों ने या तो उनका लोकेशन बदल दिया है या फिर अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अगर इस मामले में पुलिस पर कार्रवाई होती है तो स्थानीय ठेकेदारों पर भी पुलिस एक्शन जरूर लेगी। इधर रोहतास, पटना, भागलपुर, सारण और औरंगाबाद में दोषी पुलिस अधिकारियों में 4 पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अफसर ऐसे हैं जिनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि तकनीकी जांच में भी इनका बालू माफिया से संपर्क की बात सामने आई है। इसके साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि 2 पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी आय से अधिक संपत्ति मिल सकती है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जांच टीम इनके खिलाफ तैयार फाइल में और भी नए नए सबूत जुटाने में लगी हुई है। जिन अधिकारियों का नाम बालू के कारोबार में जुड़ा हुआ है उसमें संपत्ति का हिसाब देने में उन्हें पसीना छूट रहा है। इतना ही नहीं, जांच टीम एक पुलिस अधिकारी से उनकी संपत्ति के बारे में जांच भी शुरू कर दी है। ऐसे में अब देखना है कि जांच टीम इस बालू के खेल में चल रहे अवैध धंधे को कब तक बंद कराती है, क्योंकि लाल बालू को लाल सोना कहा जाता है और लाल कितना महंगा है यह हम आपसे छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में इस कारोबार में अवैध रूप से बहुत पैसा है। यही वह कारण है कि इसमें अधिकारी से लेकर स्थानीय स्तर तक के ठेकेदार जुड़े हुए हैं। तो ये थी बालू से लेकर जानकारी, जिसमें अवैध बालू खनन को लेकर बिहार सरकार एक्शन के मूड में आ गई है। कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है तो कई पे जो है गाज गिरी है। ऐसे में अब देखना है कि बिहार सरकार कितनी जल्दी इस पे एक्शन लेती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।